पाएंगे, लेकिन समित चौहान इस बीच मेरे साथ हैं, उनसे पहले एक बार जरा मार्केट का आउटलुक ले लेते हैं और कुछ एक ट्रेड भी समझेंगे। समित, शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार पे आपका व्यू क्या है? आज मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल दिया, लेकिन रिवर्सल के साथ एक डाउट भी दिया कि पता नहीं कितना चलेगा कितना रुकेगा। आप मेरे को बताएंगे बाजार जो आज बढ़त दिखा रहा है ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा? जो लास्ट ट्यूजडे को स्टांप लिया था 10,430 के आसपास जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद हमने कंटिन्यू रखा है। अभी भी हमारा जो स्ट्रेटेजी है और हमारा यही मानना है कि 10,050-10,000 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। 10,120 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट था, तो वहां से हमने एक रिकवरी देखी है। बट 10,200-10,250 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है और यहाँ से वापस आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी 10,220 का एक क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस और टारगेट 10,050 का होगा। ठीक है, आप अपने शेयर्स बताएंगे मेरे को। देखिए सेल साइड पे टाटा कैम रहेगा, वीकनेस दिखा है उसमें, हालांकि 703-704 का सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। टारगेट 688 रहेगा, स्टॉप लॉस 716। बाय साइड पे चोला मंडलम रहेगा, जो वी हैव बीन क्वाइट अपबीट सिंस लास्ट 2 मंथ्स और अभी भी ये स्टॉक न्यू हाईज बनाते जा रहा है, तो इसमें भी मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 1340 के टारगेट्स रहेंगे। लास्ट 5 मिनट में थोड़ी इसमें स्पर्ट आई है, तो मैं लेवल्स थोड़े चेंज करूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट करके 1280 का रखना चाहिए। ठीक है समित, आपकी आज की कुछ कॉल्स जो इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं आप बताना चाहेंगे? देखिए टाटा स्टील में एक ऑप्शन सेगमेंट रहेगी, 680 का पुट जो करीब 12-13 के आसपास चल रहा है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और हमें लगता है कि ये स्टॉक में वीकनेस थोड़ा गहरा सकता है और ये 660-655 के लेवल पे टेस्ट कर सकता है। तो उसके चलते ये कॉल ये पुट ऑप्शन का एप्रिसिएशन अच्छा होगा और प्रीमियम 25 से लेकर 27 के आसपास आ सकता है। ठीक है समित, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ के हमको ये ट्रेड बताने के लिए। समित आपका भी शुक्रिया आज हमको इस सौदे बताने के लिए। राजेश